हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस क्ले के बारे में। ये काओलिन क्ले, आप लोगों को पता ही होगा कि काओलिन क्ले कितनी मैजिकल क्ले होती है। आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं फेस के लिए, चाहे आप वो बेसन यूज़ करें, चाहे वो आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ करें, आप उससे भी ये हाई वर्जन की क्ले होती है। ये जो क्ले होती है वो जनरली, ये जैसे आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं उससे बोलते हैं कि आपकी डर्ट रिमूव होती है, स्किन वाइट होता है, टाइट होता है, तो सोचिए काओलिन क्ले उससे भी बड़ी अच्छी इफेक्टिव क्ले है। इससे आप बहुत तरीके के फेस मास्क बना सकते हैं, इसको आप हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, तरह तरह की इसकी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं क्या इस क्ले से करती हूँ। ये क्ले इस तरीके का पाउडर होता है, वाइट कलर का ये क्ले होता है और बहुत ही सॉफ्ट ये होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्ले ले रहे हैं। मैंने जो ये क्ले लिया था मैंने अमेजोन से लिया था, ये 200 ग्राम का पैक है और मुझे अमेजोन से ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर मिल गया था। ये ऑलरेडी मेरा काफ़ी चल जाता है, ये 200 ग्राम का भी पैक है, बट ये इतनी से थोड़े से अमाउंट में आपको चाहिए होता है और उसको आप मिक्स करके रोज़ वाटर के साथ अपने फेस में लगा सकते हैं, इजीली ब्लेंड हो जाता है। और अगर आप ये 200 ग्राम का पैक भी लेंगे तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा और डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो मैंने ये 200 ग्राम का पैक लिया था और ये मेरा काफ़ी अच्छे अमाउंट में चला, जो मेरा इतना सा ही बचा हुआ है। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके अपने फेस में लगा लेती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम से लगाने के बाद आपकी डर्ट रिमूव हो जाती है, स्किन टाइट होता है, वाइट होता है। वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए ये क्ले यूज़ की जाती है। जो भी आप हाई एंड प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे कि फाउंडेशंस हो गए या फिर सनस्क्रीन हो गई, जो भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें काओलिन क्ले यूज़ की जाती है। आप देखेंगे जब भी हम हाई एंड प्रोडक्ट्स, जैसे आप कोई भी लॉरियल का ले या कितने भी हैवी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसको हम जरा से भी कुछ फेस में लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है, उसी के अंदर ये काओलिन क्ले यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये वाइट करती है अपने फेस को। ये क्लेम करती है कि वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। मुल्तानी मिट्टी में और इसमें इतना ही डिफरेंस होता है कि मुल्तानी मिट्टी आपके फेस को वाइट करेगी, ब्राइट करेगी, लेकिन काओलिन क्ले आपके फेस को टाइट भी करती है। ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग पाउडर होता है जिसे आप अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप हेयर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें हेयर पैक बना सकते हैं, हेयर पैक के लिए भी बहुत यूज़ होती है। जैसे कि आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि इस काओलिन क्ले को आप हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्किन में, आप फेस में यूज़ कर सकते हैं, आर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि स्पेशली इन समर जैसे टैनिंग हो जाती है आपको, आप यूज़ कर सकते हैं टैनिंग के लिए। मैं खुद इस काओलिन क्ले को यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, छोटा पैक भी लेती हूँ, बड़ा पैक भी लेती हूँ, अपने सिस्टर और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी पैक बना के देती रहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपका स्किन बहुत अच्छा अंदर से होगा तभी आपका स्किन अच्छा लगेगा, वेदर आप कितनी भी लेयर्स ऑफ फाउंडेशन या मेकअप पोत ले, लेकिन जब तक आपका फेस अच्छा अंदर से होगा तो आपको इतना ज़्यादा वेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जो क्ले होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत तरीके की क्ले आती है, ये इंडियन मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तरह तरह की क्ले आती है। तो मैंने ये अमेजोन से ली थी और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे भी दूँगी, आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए। ये काफ़ी अच्छी क्ले होती है, ये आपकी डेड स्किन को बिल्कुल हटा देती है, आपके स्किन को वाइट करेगी, आपको बिल्कुल कोई इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप कुछ भी ना करें और इसको सिंपल रोज़ वाटर में मिक्स करके भी अपने फेस में लगा लेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मतलब इतने, जैसे कई लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सोचते हैं कि हमको सिंपल सा पता, आप इतना सा क्ले बहुत ही थोड़े से अमाउंट में इस क्ले को लेंगे और आप रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और उसको फेस वॉश कर लें आप, उसी में देखेंगे कि काफ़ी यूज़ करने के बाद जब आप इसे यूज़ करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तब आपको पता चलेगा कि इसकी कितना अच्छा यूज़ है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं थ्राइस इन अ वीक। मुल्तानी मिट्टी और बेसन से भी, आप सोचिए मुल्तानी मिट्टी और बेसन को हमारे पुराने ज़माने में ये लोग अपनी स्किन में, हमारे जो मम्मी एंड जो दादी वगैरह थी, मुल्तानी मिट्टी और ये बेसन वगैरह यूज़ करती थी, सोचिए उससे भी 1000 times बेटर इसके रिजल्ट आते हैं। तो आप ये क्ले यूज़ कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा इसका रिज़ल्ट लगा। आप कोई भी अमेज़ोन से देख, अमेज़ोन पे ये मुझे मिली थी और अमेज़ोन से आप इससे मंगा सकते हैं। मैंने अपने ही रिव्यू देख के जो भी मुझे रिव्यू अच्छा लगा, इस खादी में भी इसकी वैरायटीज आती है, खादी में भी आता है और काफ़ी इसमें वैरायटी, मैं आपको 2-3-4 लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप इसे मंगा सकें। और लेकिन मैंने इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मैंने फूड ग्रेड की ली थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं जो भी, बट आप खाने से पहले आप देख लीजिएगा कि वो आपकी मतलब वो एडिबल है या नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे इंटरनल यूजेस भी होते हैं काओलिन क्ले के। तो मेरा जो बेसिक यूज़ है मैं इसे करती हूँ, मैं इसे फेस पैक बनाती हूँ और इसे स्किन केयर मतलब अपने हेयर के लिए भी यूज़ करती हूँ।
तो मेरे को ये ऑरियोलर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे यूज़ करके देखिए फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तभी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये था मेरा छोटा मिनी रिव्यू अबाउट काओलिन क्ले। आगे जाके मैं आपको शेयर करूँगी अपने इसके काओलिन क्ले के फेस पैक्स और आप काफ़ी छोटे छोटे जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस के लिए। तो ये मेरा मिनी रिव्यू था, और अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके के आगे अपनी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।